अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेक्चर नंबर वन टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर यूनिट नंबर ट्वेल्व विच इज़ थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहिए कि वट इज सॉलिड्स इन आर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी थिंग्स लाइक चेयर फुटबॉल कबर्ट फ्रिजिज ब्रिक्स एंड डाइसिस एक्सेट्रा दीज ऑल थिंग्स आर कोर्ड सॉलिड इट मीन्स ऐसी कोई भी चीज़ जो हार्ड होती है जैसे कि चेयर फुटबॉल कबर फ्रिजिस ब्रिक्स ऐसी तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं सॉलिड्स लेट्स कम टू आर डेफिनेशन स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन आपने अच्छी तरीके से याद करनी है और इसको समझना है इसके बाद आप एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट वन करने में आपको आसानी होगी ओके लेट्स स्टार्ट आर फर्स्ट डेफिनेशन विच इज़ क्यूब अ क्यूब इज़ अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड फॉर्म बाई सिक्स आइडेंटिकल स्क्यर सर्फेसिज अवब इज़ अ थ्री डायमेंशनल सॉलिड क्यूब ऐसी कोई भी थ्री डायमेंशनल सॉलिड है जो कि सिक्स आइडेंटिकल स्क्यर सरफेसेज से बनती है द डाइस आइस क्यूब एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूब्स आपको पता है जैसे कि डाइस आइस क्यूब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं क्यूब की जी लेट्स कम टू आर शेप ऑफ क्यूब सबसे पहले आपको बताना चाहिए क्यूब हमेशा कौन सी शेप में होता है स्क्यर शेप में कौन सी शेप होती है क्यूब की स्क्यर शेप आपको बताना चाहिए कि इसके कितने सरफेसिज होते हैं कितनी वर्टिस होती हैं और कितने एजिज़ होते हैं लेट्स काउंट इट सरफेसिस इट सर्फेसिज आर वन टू थ्री फोर फाइव और एक फ्रंट पे सिक्स इसके कितने सरफेसेज हैं सिक्स नाव इट्स वर्टिसेस लेट्स काउंट इट्स वर्टिसेस वर्टिसेस किससे कहते हैं इसके कोनों को वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट इसके कितने वर्टिसेस हैं क्यूब के कितने वर्टिसेस होते हैं एट नाउ कम टू एजिस लेट्स काउंट इट्स एजिस एजिस किसे होते हैं इन नाइन्स को हम क्या कहते हैं ये इसके एजिज हैं लेट्स काउंट इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व देन सरफेसिस इसके सिक्स हैं वट इज एट हैं और एजिज कितने हैं ट्वेल्व लेट्स कम टू आर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ क्यूबॉयड अवबॉइड इज़ अ सॉलिड फिगर फॉर्म बाई सिक्स रेक्टेंगुलर सरफेसेस। क्यूबॉइड का सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि कौन सी शेप में होता है रेक्टेंगलर शेप में क्यूब हमारे पास स्क्वेयर शेप में होता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर शेप में होता है इन अबॉइड अपोजिट सरफेसिज एंड एजेस आर इक्वल एंड पैरल क्यूबॉइड में हमारी सरफेसिस इट मीन्स ये और एजेस ये क्या होते हैं पैरेलल और इक्वल इनकी कितनी सरफेसेस होती हैं सिक्स सरफेसेस होती हैं एट वर्टिसेस होते हैं और ट्वेल्व एजेस होते हैं काउंट कर लेते हैं लेट्स काउंट इट सरफेसिज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इट्स वर्टिसेस अभी मैंने आपको बताया था वर्टिसेस के एजेस कोनों को कहते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाउ काउंट इट्स एजिस विच इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व इट्स मीन इसके एजिज़ ट्वेल्व सेम क्यूब के और क्यूबॉइट के सरफेसिस वर्टिस और एजिस सेम होते हैं ओके नाउ कम टू आर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज स्फेयर अ स्फेयर इज़ अ सॉलिड विद कंप्लीटली राउंड सर्फेस हुज ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स आउटर सर्फेस आर एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द सेंटर ऑफ द स्फेयर एंड द डिस्टेंस फ्राम द सेंटर टू द पॉइंट ऑन द स्फेयर इज़ कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फेयर आपके जो स्फेयर होता है लेट्स कम टू इट्स शेप स्फेयर हमेशा हमारे राउंड शेप में होता है ऐसी कोई भी सर्फेस जो कि राउंड होती है वो क्या कहलाती है स्फेयर अब स्पेयर में आपको बताना चाहिए कि ये जो पॉइंट होता है हमारा फिक्स पॉइंट जो होता है वो क्या कहलाता है सेंटर ऑफ दफेयर और यहाँ से लेके इस इसका जो डिस्टेंस है बाहर सर्कल तक वो क्या कहलाता है रेडियस ओके okay? याद रखना ये पॉइंट हमारे पास क्या है सेंटर और ये जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है रेडियस नाउ लेट्स कम टू आर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ सिलेंडर अ सॉलिड ऑफ द शेप एज शॉन इन द गिवन फिगर इज़ नॉन एज सिलेंडर के जो शेप दी गई है ये क्या कहलाती है हमारी सिलेंडर द लोयर और अपर सर्कुलर टॉप ऑफ द सिलेंडर इज़ नॉन एज इट्स बेस कि जो हमारे सिलेंडर की लोअर और अपर ये टॉप क्या कहलाती हैं इसकी बेस एंड इट्स राउंड सरफेस इज नॉन एज इट्सरफेस और इसकी जो ये राउंड सरफेसिज हैं ये क्या कहलाती हैं कर्व सरफेस द रेडियस ऑफ द सर्कुलर सरफेस इज़ नॉन एज इट्स रेडियस इसके अलावा जो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है ये आपका क्या कहलाएगा रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल सर्कुलर सरफेस इज़ नॉन एज इट्स हाइट और जो डिस्टेंस है इन दो पैरलर सरफेसिस के दरमियान वो क्या होता है ये क्या कहलाएगा आपका हाइट ओके स्टूडेंट्स लेट्स कम टू आर नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज़ कॉर्न अ राइट कॉर्न इज अ सॉलिड फिगर फॉर्म बाय अ कर्व सरफेस दैट स्लोप्स अ फ्रॉम अराउंड फ्लैट बेस टू पॉइंट कोल दर्ट वर्टेक्स अ राइट कौन ये देखिए आप शेप देखिए इसकी ये जो ऐसे कौन की शेप की होती है ये आपकी क्या कहलाती है कौन उसके बाद देखिये फॉर्म बाय अ करव सरफेस डेट स्लोप अप फ्रॉम अर राउंड फ्लैट बेस टू अर पॉइंट कॉल्ड द वर्ट एक्स जो फ्लैट बेस पॉइंट आपका फ्लैट बेस से लेकर जो पॉइंट यहाँ तक जा रहा है यह आपका क्या कहलाएगा वर्ट एक्स द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द बेस एंड द वर्ट एक्स इज नॉन एज इट्स हाइड और जो डिस्टेंस है इसका सेंटर ऑफ द बेस का सेंटर जो सेंटर बेस है यहाँ से ले कर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस आपका क्या कहलाता है हाइट इट मीनस ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी हाइट द डिस्टेंस ऑफ द वर्ट एक्स फ्राम एनी पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर बेस इज़ नॉन दट द स्लैंट हाइट द डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स वर्ट एक्स से लेके जो डिस्टेंस कोई भी पॉइंट पे सर्कुलर बेस के कोई भी इधर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा आपका स्लैंट हाइट ठीक है ये आपका क्या कहलाएगा स्लैंट हाइट द लोअर सर्कुलर टॉप इज़ कॉल्ड इट्स बेस और जो इसके लोअर सर्कुलर टॉप है वो बेस कहलाती है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेडियस ऑफ द कॉन और ये इसके अलावा ये सर्कुलर बेस के अलावा आपका रेडियस भी कहलाता है ये पूरा पेज आपने अच्छे से याद भी करना है और इसको इसकी मदद मतलब से आपने थर्टीन अपनी ट्वेल्व पॉइंट वन सोल्व करना ओके लेट्स कम टू आर एक्सरसाइज नंबर ट्वेल्व पॉइंट वन राइट द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ गिवन सॉलिड्स हमने इन्हें जो सॉलिड शेप्स इन्होंने हमें दी हुई हैं हमने इन्हें इसके नेम्स बताने हैं ओनली नेम्स बताने हैं ओके फर्स्ट पिक्चर आप देखें फ़र्स्ट पिक्चर में इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है हमें पता लग रहा है ये कौन सी पिक्चर है क्यूब की क्यूब पिक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर ये इसके ये पहले सबसे पहले हमने बताना है वट इज़ ए ए ये मैंने आपको जब डेफिनेशन पर आई थी मैं बताया था कि इसके क्या होते हैं क्यूब के एजेस तो आप क्या लिख देंगे ए के आगे एजेस नाव बी इज इक्वल देखिये बी उन्होंने एडो लगाया हुआ है कि ये चीजें क्या होती है क्यूब की डेफिनेशन में हमें पता था ये क्यूब की क्या होती है यस यू आर राइट इट इज सरफेज क्या होंगे ये सरफेस नाव कम टू सी सी इज इक्वल जो क्यूब के ये होते हैं कोने इसे क्या कहते हैं वर्ट एक्स तो आप इसकी जगह क्या लिख देंगे वर्टेक्स ठीक है स्टूडेंट्स इसी तरह आपने बाकी शेप्स भी करनी है मैं आपको एक और करती हूँ विच इज फेयर आप इस शेप की तरफ देखें ये कौन सी शेप है फेयर तो उन्होंने सबसे पहले पूछा है कि वट इज ए ए आपको पता होना चाहिए ये पॉइंट जो है स्फेयर का वो क्या कहलाता है सेंटर तो आपने ए के आगे क्या लिख देना है सेंटर इसी तरह सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा ये लाइन क्या कहलाती है रेडियस और ये लाइन उन्होंने क्या क्या कहा है कि क्या है बी तो आपने बी के आगे क्या लिख देना है रेडियस ओके इसी तरह आपने बाकी पिक्चर्स को भी सॉल्व करना है बाकी पिक्चर्स सारी आपने इसी तरह ये सिलेंडर कौन और ये आपकी कौन सी पिक्चर है क्यूबॉय ठीक है आपने अपनी बुक्स पे ये पूरी एक्सरसाइज आपने अपनी बुक्स पे सॉल्व करनी है ओके थैंक यू अल्लाह